बड़ी खबर के साथ पेंड्रा से करने जा रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देगी जेसीसी जे जेसीसी जे अध्यक्ष अमित जोगी का ये बयान आया है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे परिवार के वोट को खंडित किया जाए। अमित जोगी का कहना है, मरवाही आकर कांग्रेस ने पूरे परिवार का अपमान किया है। मुझे पूरा भरोसा, जनता मेरे परिवार के सम्मान की रक्षा करेगी। बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने को लेकर अमित जोगी का ये बयान है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किस तरह से समर्थन देने को लेकर इन्होंने बयान दिया है, आइए सुन लेते हैं। मेरे विधायक दल के नेता श्री धर्मजीत सिंह जी और श्री राजेंद्र राय जी ने जानकारी दी कि उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह का समर्थन करने का निर्णय ले लिया है। इसलिए मैं बड़ी सोच समझ कर मरवाही की जनता से कांग्रेस के विरोध में वोट करने की अपील करता हूं। मैं नहीं चाहता एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में कि मेरे परिवार के वोट बटे, विखंडित हो। आज हमारा एकमात्र लक्ष्य है उनको सबक सिखाना, जो मरवाही में आकर 72 घंटे से लगातार मेरे पिताजी को गालियां दी। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि मरवाही की जनता मेरे परिवार के सम्मान की रक्षा करेगी। और वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्या कुछ कहना, ये सुन लेते हैं। वो जानते थे कि इनके बीच में सांठगांठ है और ये इनका गठबंधन है, वर्षों से चल रहा था। पहली बार ये लोग खुले में स्वीकार किए, रमन सिंह जी स्वीकार कर रहे हैं और अमित जोगी जी स्वीकार कर रहे हैं, तो दोनों की स्वीकृति इस बात को परिचायक है कि इनके पुराने संबंध रहे हैं और ये गठजोड़ बहुत पुराना है। और जो सत्ता में, तो आपने सुना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बहुत पुराना गठबंधन है जो चोरी छुपे चलता आ रहा था, लेकिन अब सार्वजनिक इसको कर दिया गया है, जिसपे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की भी सहमति है और इस वक्त अजीत जोगी ने भी इस पर सहमति प्रकट कर दी है। अच्छा, ये पूरा जो खेल है वो 15 घंटे पहले से ही शुरू हो गया था और इस गठबंधन और समर्थन दिए जाने को लेकर इसके समीकरण अमित जोगी ने अपने ट्वीट से ही इसको साफ कर दिए थे। आपको खबर हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे अमित जोगी ने अपना समर्थन दिया हुआ है। चलिए अमित जोगी के वो ट्वीट भी हम आपको पढ़ के बता देते हैं और हमारे साथ इस, मैं इन तमाम चीजों पर चर्चा की शुरुआत करूंगी। वैभव शिव पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। वैभव, 15 घंटे पहले अजीत जोगी ट्वीट करते हैं और ट्वीट के जरिए इस बात के संकेत साफ कर देते हैं कि हाँ, उनके परिवार को दबाने की और उनके नाम को धूमिल किए जाने की कोशिश की जा रही है, जोगी परिवार का अपमान किया जा रहा है। संकेत दे देते हैं कि भाई आर पार की लड़ाई है, कहीं ना कहीं अब भाजपा को समर्थन दे दिया जाएगा। अब खुले मंच से ऐलान। बिल्कुल रस, जिस बात की चर्चा हो रही थी कि देर सवेर हो ना हो जनता कांग्रेस का समर्थन बीजेपी को चला जाएगा, और वही देखने को मिला। कल धर्मजीत सिंह ने रमन सिंह से मुलाकात की, बंद कमरे में ये मुलाकात हुई थी, उसके बाद से ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि अब औपचारिक जो है ऐलान कर दिया जाएगा जोगी परिवार की तरफ से। और देर रात आखिरकार जो बैठक हुई और बैठक के बाद ऐलान अमित जोगी की तरफ से कर दिया गया, जो जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि पूरा समर्थन अब बीजेपी को जाएगा, जनता कांग्रेस का। अब इस समर्थन के मिलने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ और मजबूत हो जाती है मरवाही में। अब एक तरीके से मुकाबला जो है और ज्यादा रोचक हो जाएगा, मुकाबले में कई जो है ट्विस्ट देखने को मिलेंगे आगे भी। और गंभीर सिंह जो कि थोड़े कमजोर नजर आ रहे थे लेकिन के सामने उन्हें मजबूती एक तरीके से मिल जाएगी जनता कांग्रेस के समर्थन के बाद। जो आरोप लंबे वक्त से कांग्रेस जोगी परिवार पे और बीजेपी पे लगाती आ रही थी कि ये तो बीजेपी की बी टीम है और बी टीम के रूप में ही काम कर रही है, अब उन आरोपों को कहीं ना कहीं एक तरह से कहें सर्टिफिकेट मिलता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री की भी बाइट हमने अपने दर्शकों को सुनाई, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि लंबे वक्त से चोरी छुपे का गठबंधन था, अब सार्वजनिक कर दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से इस बात को काफी लंबे समय से कहा जा रहा था कि बीजेपी की अगर कोई
जाएंगे आपके पास 15 घंटे पहले जिस तरह से बंद कमरे में जो मीटिंग होती है उसके बाद एक के बाद एक तीन ट्वीट अजीत जोगी करते हैं। अजीत जोगी लिखते हैं यहाँ पे, वो कांग्रेस पार्टी को टैग करते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टैग करते हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्य जो सीएमओ ऑफिस उसको टैग करते हुए लिखते हैं कि मरवाही उपचुनाव में मेरे परिवार के को बाहर करने के बाद अब अखाड़े में अकेले कुश्ती लड़ रहे, उसके बावजूद उनका यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक देना, छत्तीसगढ़ सीएमओ का यहाँ 72 घंटे का प्रचार करना, 60 विधायक, पूरे मंत्रिमंडल और हजारों कार्यकर्ताओं को बैठा देना, मेरे स्वर्गवासी पिताजी को खुले मंच से नकली, फर्जी, निकम्मा, पाखंडी कहकर अपमानित करना, जनता से लूटा पैसा पानी की तरह बहाना और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देना, लोगों को डराना, धमकाना, बाकी सभी विपक्षी दलों को सेट करना, ये सब करना मेरी समझ से परे है। अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वास्तव में अच्छे काम किए हैं तो ये सब करने की जरूरत क्यों? इसका एक ही जवाब समझ में आता है, मरवाही का उपचुनाव सत्ता बनाम जनता हो गया है। जनता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की काली कमाई का पैसा भी लेगी, लेकिन यहाँ 720 घंटे भी घूम ले फिर भी न्याय मुझे ही देगी। वैभव, 720 घंटे अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनका पूरा मंत्रिमंडल घूम ले तो मरवाही की जनता न्याय अजीत जोगी और उनको ही देगी। आपके पास आऊंगी, इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ कैबिनेट में मंत्री रविंद्र चौबे जी जुड़ गए हैं। चौबे साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्कार चौबे जी। चौबे जी, पहले तो सिर्फ ये चोरी छुपे हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी आरोप भी लगाती थी कि अजीत जोगी और जोगी फैमिली जेसीसीजे बी टीम है बीजेपी की, अब तो ये खुले मंच से सार्वजनिक भी हो गया है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को आप? अब सार्वजनिक हो गया है, केवल ऐसी बात नहीं है, लगातार 15 वर्षों तक जो साठगांठ था, जो भारी लेन देन का मामला होता था, अंतर्गत टेप कांड में जो रिकॉर्डेड हुए थे, जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ वातावरण बनाने में ये भाजपा की बी टीम काम करती थी और 15 साल हुकूमत में भाजपा को रहने के लिए हमेशा से मदद करती थी, ये केवल आरोप नहीं हुआ करते थे, लगातार ये सच्चाई थी जिसको छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा था। मरवाही चुनाव में लेकिन जिस तरीके से ओपन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खुल के उनका आना जो है, ये सारी उन बातों को साबित करता है जो उनके ऊपर आरोप के रूप में लगाए जाते थे। इसलिए अब कोई संदेह नहीं रह गया छत्तीसगढ़ की जनता को, और जहां तक मरवाही का सवाल है, एक तरफा कांग्रेस जीतेगी वहां कोई रोक नहीं सकता, हमारी कांग्रेस की परंपरागत सीट है। हाँ। लगातार हम कांग्रेस से वहाँ जीतते रहे हैं, माननीय जोगी जी के चलते भी वहाँ लोकसभा में कभी कांग्रेस हारी नहीं है, इसलिए किसी चिंता करने की बात नहीं है। ये लेकिन सर्वविदित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में लगातार ये पार्टी काम कर रही थी। जी, यहाँ पे अजीत जोगी ने कहा है कि 720 घंटे भी अगर घूम ले और पूरा कैबिनेट को यहाँ पे लगा दिया जाए तो भी मरवाही की जनता सिर्फ न्याय जोगी परिवार को देगी। ये 3 तारीख तक है, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, राजनीति में कहाँ खड़े हैं वो पता लग जाएगा। जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं उसके पीछे जो भी नाम लिखा हुआ है, जो भी पद लिखा जाता है, वो सब कुछ कांग्रेस की देन है, अपने आप में खुद कुछ पा जाते हैं, उसके बाद ऐसी बातें करनी थी, और कांग्रेस ने इतना कुछ दिया था वो सब जनता के सामने है, इसलिए 3 तारीख को बड़े बड़े लोगों की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। रविंद्र जी, क्या आपको क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अंतागढ़ का जिस तरह से उपचुनाव था या अंतागढ़ पार्ट 2 मरवाही में किए जाने की कोशिश यहाँ पे लगातार की जा रही थी जिसमें असफल साबित हुए हैं सबके सब? अब अंतागढ़ का जो कॉकस था वो तो जनता के सामने था, अब मरवाही में उसमें मुहर लग गया कि इन लोगों की साठगांठ ही नहीं थी, इनका मिली भगत से लगातार 15 साल कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने में लोग कामयाब रहे, लेकिन जनता समझ चुकी है अब भूपेश जी के नेतृत्व में मरवाही हम जीतेंगे। जी, और यहाँ पे अजीत जोगी जिस तरह से कह रहे हैं कि उनके परिवार का अपमान किया जा रहा है, उनके उस अपमान का, और मैं चाहूंगी कि अमित जोगी यहाँ पे क्या कुछ कह रहे हैं उनकी बात सुन लेते, फिर मैं आपसे फिर जानना चाहूंगी कि अब यहाँ पे क्या कुछ स्ट्रैटेजी कांग्रेस की रहने वाली है। मेरे विधायक दल के नेता श्री धर्मजीत सिंह जी और श्री राजेंद्र राय जी ने
जानकारी दी कि उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह का समर्थन करने का निर्णय ले लिया है। इसलिए मैं बड़ी सोच समझकर मरवाही की जनता से कांग्रेस के विरोध में वोट करने की अपील करता हूं। मैं नहीं चाहता एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में कि मेरे परिवार के वोट बटे, विखंडित हो। आज हमारा एकमात्र लक्ष्य है उनको सबक सिखाना। मरवाही में आकर 72 घंटे से लगातार मेरे पिताजी को गालियां दी, और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि मरवाही की जनता मेरे परिवार के सम्मान की रक्षा करे। हमारे साथ लगातार छत्तीसगढ़ कैबिनेट में मंत्री रविंद्र चौबे जी भी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर शिवरत्न शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, वो भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवरत्न जी, लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती आ रही थी कि जेसीसी जय बीजेपी की बी टीम है। अब जिस तरह से यहाँ पे जेसीसी जय बीजेपी का समर्थन कर रही है, तो मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि हाँ, ये आपकी ही बी टीम है। आप लोग आरोप लगाते थे कि कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रही है, अब उसी बी टीम से आप लोग भी अब समर्थन ले रहे हैं। देखिए, मैं तो आपके माध्यम से आदरणीय रविंद्र चौबे जी से पूछना चाहता हूं कि अमित जोगी जी का, ऋचा जोगी जी का नामांकन इस आधार पर निरस्त किया गया कि वो आदिवासी नहीं है, और 2000 में जब स्वयं अजीत जोगी जी चुनाव लड़ रहे थे तो उनके चुनाव प्रचार के लिए रविंद्र चौबे जी उनके अंडर में मंत्री थे, और लगातार मरवाही क्षेत्र में उनके समर्थन में वो जनसभाएं कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। ठीक है, जोगी जी 4 बार विधायक रहे, हाँ। अमित जोगी जी 1 बार विधायक रहे, हाँ। 5 बार जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो आदिवासी थे। ठीक, आज अजीत जोगी जी का स्वर्गवास हो गया तो उनका परिवार गैर आदिवासी हो गया। ठीक, रविंद्र चौबे जी बता दें कि भाई जब अजीत जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सोनिया गांधी जी का सार्वजनिक स्टेटमेंट आया था कि हम छत्तीसगढ़ की कमान एक आदिवासी नेता को सौंप रहे हैं। अजीत जोगी जी कांग्रेस के अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, और आज उनका परिवार गैर आदिवासी हो गया। इनके कथनी और करनी को छत्तीसगढ़ की जनता और विशेषकर मरवाही की जनता देख रही है, हाँ। और सबक सिखाएगी। ठीक है, और जहां तक अमित जोगी जी के समर्थन की बात है, उनने मरवाही की जनता से न्याय मांगा है, और न्याय मांगा है इसलिए कि उनका नामांकन निरस्त हुआ। ठीक, और स्वाभाविक रूप से जब न्याय मांगने की बात है तो यहाँ मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो गया है, तो कांग्रेस को पराजित करना है, बीजेपी ही एकमात्र विकल्प है, तो उन्हें बीजेपी को समर्थन घोषित किया है, हम इसके लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो शर्मा जी, आप लोग तो खुश होंगे ना कि कहीं ना कहीं आप लोगों का एक जो कॉम्पिटिटर था वो कम हो गया, अब समर्थन आप लोगों को मिल रहा है, थोड़ी बहुत उम्मीदें बढ़ जाती है। हम तो बिल्कुल फेयर पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं। हम तो चुनाव अमित जोगी जी लड़े इस बात के पक्षधर थे, पर अमित जोगी जी को चुनाव लड़ने से रोकने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। ठीक है, जो भूपेश बघेल जी अजीत जोगी के साथ मंत्री रहे, उनके चुनाव प्रचार में घूमते रहे, उस समय वो आदिवासी थे, और आज उनको गैर आदिवासी घोषित कर दिया गया, तो भूपेश बघेल जी को स्पष्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए पहले उन्होंने गलती की थी। मैं सवाल सीधे यहाँ पे चौबे जी से, जो आपने सवाल किए हैं उनसे हम उसका जवाब ले लेते हैं, लेकिन ये भी बता दें कि जब जाति मामले को लेकर जो फैसला आया था तो आपके पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने भी इस फैसले का स्वागत किया था कि हाँ, ये जो पूरा प्रकरण था वो गलत था। तो डुअल एस्पेक्ट तो खुद आपकी ही पार्टी में है, एक तरफ तो आपकी ही पार्टी के आधे से ज्यादा लोग कहते हैं कि हाँ, नकली जाति के आधार पर, नकली प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीतते आए हैं, और फिर जब आपको समर्थन देने लगते हैं तो आप लोग भी सपोर्ट में आ जाते हैं। चौबे जी जवाब दीजिए। जोगी जी के प्रति स्टैंड शुरू से क्लियर रहा है, हाँ। मैं उस प्रकरण में इंटरव्यूनर रहा हूँ, ठीक है, अपना स्टैंड नहीं बदला, ठीक है, इसके नेताओं ने अपना स्टैंड बदला है। ठीक है, चलिए चौबे, आपने सवाल किए हैं, उन सवालों के जवाब हम चौबे जी से ले लेते हैं, वो बखूबी आपको बताएंगे कि किस तरह से उनका भी क्या कुछ सोचना और कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है। चौबे जी, चौबे जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
रविंद्र चौबे जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवरत्न जी आप भी हमारे साथ जुड़े रही है क्योंकि अब से कुछ ही देर में हमारे साथ रविंद्र चौबे जी भी जुड़ रहे हैं, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। वैभव आप पूरा कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं। राजनीति अपने हिसाब से की जाती है, जो हमारे आत्मतंत्र को, राजनेताओं के आत्मतंत्र को जो अच्छा लगे वही राजनीति है। बिल्कुल, और इसमें पूरी तरीके से नफा और नुकसान को देखा जाता है। और जब जनता कांग्रेस को ये लगा कि क्योंकि वो चुनावी मैदान से बाहर है तो ऐसे में उसको फायदा कहाँ से हो सकता है, तो उसके पास कांग्रेस को विकल्प था ही नहीं। विकल्प के तौर पर बीजेपी थी, तो उन्होंने बेहतर समझा कि बीजेपी को समर्थन दे दिया जाए ताकि आने वाले समय में जब 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें फिर एक नए सिरे से गठबंधन हो सकता है या फिर उसका दूसरे रूप में फायदा लिया जा सकता है। शायद ये एक तरीके से जो है बातचीत हुई होगी। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस ने चूंकि लगातार उनके जाति के मसले को उठाया और जिसके चलते चुनाव लड़ने से वंचित रह गए जोगी परिवार, तो जाहिर तौर पर एक कोशिश ये भी है जोगी परिवार की तरफ से कि बीजेपी को समर्थन दे के कांग्रेस को सबक सिखाया जाए। कांग्रेस अगर चुनाव हारती है तो इसमें एक बड़ा जो है योगदान जोगी कांग्रेस का रहेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश यहाँ पे वैभव की जा रही है, क्या अगर 1% कांग्रेस हार जाती है या 50% कांग्रेस हार जाती है तो वो जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि ये जोगी का गढ़ है, वो नैरेटिव सेट करने में ये सक्सेसफुल रहने वाले? बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस बात को कह रहे हैं वो वही चीज है। और इस बात को कल हमने धर्मजीत सिंह से भी पूछा जब वो रमन सिंह से मुलाकात करके आए थे, तो उन्होंने कहा कि जिसको जो समझना है अगर वो इसे राजनीति समझते हैं तो राजनीति समझिए, और इशारा समझ रहे हैं तो इशारा भी समझ लीजिए। तो ये साफ हो गया था कि खुलकर जो है बीजेपी के पक्ष में जनता कांग्रेस की तरफ से प्रचार किया जाएगा, वोट मांगे जाएंगे और बीजेपी के जो प्रत्याशी है डॉक्टर गंभीर सिंह उसको जिताने के लिए जो है एड़ी टोपी का जोर लगाया जाएगा। ठीक है शिवरत्न जी, ये जो समर्थन आप लोगों को मिल रहा है जेसीसीजे की तरफ से, अमित जोगी ने जिस तरह से ऐलान किया है समर्थन देने का, ये जो समर्थन अभी आपके प्रत्याशी को और बीजेपी पार्टी को मिल रहा है, ये फॉर अ टाइम रहने वाला है या लॉन्ग टाइम रहने वाला है? देखिए ये जो बातचीत हुई है ये मरवाही चुनाव की बातचीत है। जब भी और कोई इलेक्शन होगा तो जो भी कांग्रेस बोल रहे उनको अपना स्टैंड तय करना है कि वो क्या करें। अभी तात्कालिक रूप से क्योंकि उनका फॉर्म निरस्त हुआ है इसलिए उन्होंने अपना समर्थन घोषित किया है। ठीक, आने वाले समय में मरवाही को लेकर फिर आप लोग, आप दोनों ही दलों की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? देखिए अभी तो हमारी खाली एक रणनीति, हम चुनाव कैसे जीते, सबको साथ लेके सबके समर्थन से चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े बातचीत करने के लिए। रविंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए तो उनका भी शुक्रिया। वैभव बेहद ही पेचीदा होता जा रहा है ये चुनाव, और आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरह से शुरू हुआ है तो वो समर्थन पे आके अब कहीं ना कहीं टिकता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इसमें ये रोचकता अभी आने वाले 2 दिनों तक और बनी रहेगी कि पल्ला जो है किस तरफ जो है भारी पड़ता है, जनता कांग्रेस के तरफ से कितनी और मदद मिलती है। फिलहाल तो ऐलान किया गया है, क्या मंच भी अब आगे साझा करेंगे, क्या खुलकर जो है अमित जोगी या धर्मजीत सिंह या फिर बीजेपी के नेताओं से प्रचार करने के लिए निकलेंगे क्या, ये सब सारी चीजें हैं जिसको अभी देखना होगा। और ये भी समझना होगा जो वोट बैंक जोगी कांग्रेस का यहाँ पे अपना रहा है, क्या वो पूरा वोट बैंक बीजेपी को शिफ्ट होने वाला है? अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास जो केके ध्रुव जो प्रत्याशी है वो तो है, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि जोगी के घर में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और हमने देखा था कि 2018 में अजीत जोगी जनता कांग्रेस यानी कि हल चलाता किसान निशान पर चुनाव जीत कराए थे, यानी कि पंजा को उन्होंने शिकस्त दी थी कि जो पंजा लोगों के दिलो दिमाग पे छाया रहा है उसको अचानक से हल चलाता किसान ने जो है हरा दिया। तो वो जो वोट बैंक है जोगी कांग्रेस का, वो वोट बैंक कितना बीजेपी को शिफ्ट हो रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये पता चलेगा अगले 2 दिनों में। बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज पूर्व